पूजा पाठ से जुड़े कुछ जरूरी नियम। अपने कुल देवता व पितरों का पूजन आपको दक्षिण मुखी होकर ही करना चाहिए। नहाते समय आपको भगवान के मंत्र और उनकी स्तुति बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। पीपल के पेड़ में बुधवार और रविवार को जल अर्पित ना करें। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि बिल्कुल भी ना रखें। मंदिर में प्रदा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता व पितरों का फोटो मंदिर में कदापि स्थापित ना करें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। घर में पूजा हमेशा आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। तांबे के बर्तन में घिसे हुए चंदन का पानी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन घर से निकलते समय माथे पर चंदन का तिलक आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे दिन शुभ जाता है और सभी बिगड़े कार्य बनते हैं। वास्तु के अनुसार रोजाना सुबह घर के मंदिर में धूप दीप करने के बाद मुख्य द्वार पर जल में हल्दी डालकर छींटे अवश्य आपको मारने चाहिए। इसके बाद मुख्य द्वार के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साफ जल आपको जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पूजा करते वक्त आपको घंटी अवश्य बजानी चाहिए, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर में प्रतिमाएं 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी आप बिल्कुल भी ना रखें। तस्वीरें आप किसी भी आकार के रख सकते हैं। घर के पूजा स्थान में कभी भी चमड़े की चीजें ना रखें, क्योंकि चमड़ा जो होता है वो मरे हुए जानवरों का होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार चमड़े से बनी चीजों को मंदिर से दूर ही रखना चाहिए। रात को सोने से पहले घर में बने मंदिर का पर्दा आपको अवश्य लगाना चाहिए और अपने अंदर ये भाव रखना चाहिए कि प्रभु शयन कर रहे हैं। रोजाना सूर्यास्त के बाद मंदिर में दिया अवश्य जलाना चाहिए। एक दिया घर के मुख्य द्वार पर भी रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पूजा करते वक्त भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय ध्यान रखें, जो प्रसाद आप प्रभु को अर्पित कर रहे हैं वह बासी तो नहीं। पराए घर या बाजार से भोजन लाकर भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। घर में बना हुआ शुद्ध भोजन ही भगवान को अर्पित करें। शंख में गाय का दूध भरकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के मंदिर में आपको दिन में 2 बार घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मान्यता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर कृपा बनाए रखती है और घर में एक स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सोते समय आपको हमेशा सिर पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखे। उपहार में दी गई कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां बिल्कुल भी ना रखे। खंडित जलीकटी फोटो और टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दे। खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित मताई गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थान से हटाकर आपको पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी के लिए आगे मिलेंगे। धन्यवाद।